अजमेर दरगाह जिसे भारत की गंगा जमुनी तहजीब का एक प्रतीक माना जाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज भारत के इस दरगाह पर चादर चढ़ाने जा चुके हैं। अजमेर शरीफ में अजी देवगन साहब आए, भी करीना कपूर को स्पॉट किया गया अजमेर शरीफ दरगाह पर। चिश्ती परिवार जो इस दरगाह के खादिम यानी केयर टेकर है, उन्हें सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का डायरेक्ट डिसेंडेंट माना जाता है और पूरे अजमेर में इस परिवार की बहुत ही रिस्पेक्ट की पोजिशन है। लेकिन इस दरगाह के चिश्ती परिवार के अंदर एक बहुत ही भयानक सीक्रेट छुपा हुआ है। फोटो छपी है जो तुम्हारी मेरे रेप हो गया माँ। 1987 से चल रहा है ये सब। अनफॉर्चुनेटली इस भयानक हादसे को हमारे हिस्टोरियंस और हमारे मीडिया ने बेसिकली सोसाइटी की नॉलेज से पूरी तरह से मिटा दिया था। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट सेक्स स्कैंडल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट इट एट ऑल। अ टॉक्सिक मिक्स ऑफ रिलीजियस रीच एंड पॉलिटिकल इंप्यूनिटी। Police themselves are not aware. How do you expect civilians to be aware about such things? इस हफ्ते अजमेर और चिश्ती परिवार से जुड़े हुए इसी बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश करती हुई एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है अजमेर 92। ये कहानी इतनी डिस्गस्टिंग है, इतनी भयानक है कि शायद फिल्म देखकर आपको ये कहानी मनगढ़ंत लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और आइए आज अजमेर 92 की इस स्टोरी के विलन्स, इस स्टोरी के विक्टिम्स और इस स्टोरी को किस तरह से दबाया गया उसके बारे में जानते हैं। हेलो हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, अजमेर दरगाह भारत के हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। अजमेर दरगाह बेसिकली सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज भी कहा जाता है, वो एक पर्शियन सुन्नी मुस्लिम सूफी प्रीचर था जो दिल्ली सल्तनत के समय पर भारत आया था और अजमेर में सेटल हुआ था। यहाँ पर आने वाले लोग सूफी संत से अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मांग करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज भी काफी सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस यहाँ पर चादर चढ़ाने आया करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को मोइनुद्दीन चिश्ती के सच्चे ओपिनियंस नहीं पता है। कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुओं से और हिंदुइज्म से गहरी नफरत करते थे। जब वो अजमेर पहुंचे थे तो उन्होंने अनासागर लेक के बहुत सारे मंदिर देखे और मंदिर देखते ही वादा किया कि उन सारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। चिश्ती ने भारत में हिंदू राजाओं के खिलाफ जिहाद लड़ने को भी प्रमोट किया और जब मोहम्मद घोरी ने छल से महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब चिश्ती ने अपने आप को महाराजा पृथ्वीराज चौहान की हार के लिए क्रेडिट दिया था और कहा था कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा है और इस्लाम की सेना को सौंप दिया है। चिश्ती के फॉलोअर्स अक्सर गायों को लेकर आते थे और एक प्रमुख मंदिर के सामने उस गाय की बलि चढ़ाते थे। इन सब के बावजूद हमारी मीडिया और हमारे हिस्टोरियंस मोइनुद्दीन चिश्ती को एक बड़े प्यारे सूफी संत बताते हैं जिन्होंने सिर्फ भारत की गंगा जमुनी तहजीब को डेवलप करने में मदद की है। इसके बावजूद पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज यहाँ पर माथा टेकने और चादर चढ़ाने आते हैं। यार, ये तो वही बात हुई कि विवेक ओबेरॉय सलमान खान के घर के सामने माथा टेकने जाता है। अब कुछ लोग इसे हिंदुओं की दरियादिली कहते हैं, लेकिन मैं इसे हिंदुओं का चूतिया मानता हूँ। तो जब हमें अजमेर शरीफ का बैकग्राउंड और मोइनुद्दीन चिश्ती का बैकग्राउंड पता चल गया है, तो अजमेर 92 फिल्म की जो असली स्टोरी है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये फिल्म भारत के सबसे बड़े बलात्कार के स्कैंडल में से एक की कहानी बताती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कांड में 250 से 500 लड़कियों का शोषण और ब्लैकमेल किया गया था और शोषण करने वाले कांग्रेस लीडर और अजमेर शरीफ के खादिम यानी केयर टेकर भी थे और इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स का हाथ होने के वजह से कई सालों तक जिन लड़कियों का शोषण हुआ था उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। इस कांड में मेन अक्यूज का नाम है फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और सलीम चिश्ती, जो अजमेर शरीफ के खादिम चिश्ती फैमिली से आते हैं, और इनके कुछ एसोसिएट्स भी थे जिनका नाम है इकबाल भट्ट, सैयद जमीर हुसैन नसीम और सुहेल गनी। देखिए, इस केस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन लोगों का अजमेर में बहुत दबदबा था। ये लोग अजमेर के एक सबसे ताकतवर, सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अमीर फैमिली से आते थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो इनका इतना दबदबा था कि पुलिस भी इनसे डरती थी और इसी पावर का इन्होंने बहुत घिनौने तरीके से इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले इन्होंने सोफिया स्कूल की एक लड़की को राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में एक पोस्ट दिलाने के बहाने अपने फार्म हाउस पर बुलाया, जहां पर उस लड़की का शोषण किया गया और उसकी अश्लील तस्वीरें ली गई, और इन अश्लील तस्वीरों के थ्रू इस लड़की को ब्लैकमेल करके अक्यूज ने कहा, अभी तो इन तस्वीरों को मैं देख रहा हूँ, पर सोचो अगर ये तस्वीरें पूरे पड़ोस में फैल गई तो। फारूक ने स्टूडेंट को उसे फार्म हाउस ले जाकर
अपने प्लान में स्टक कर दिया था। ही वॉज ब्लैकमेलिंग हर नाउ। धीरे धीरे इसी तरह से और भी लड़कियों को ये अक्यूज अपने फार्म हाउस पर लाए, उनका शोषण किया, उनकी अश्लील तस्वीरें निकाली और इसी तरह से इन लड़कियों का इस्तेमाल करते गए और भी लड़कियों को अपने फार्म हाउस पर लाकर उनका शोषण करने के लिए। बेसिकली ये लोग साले बलात्कार की पिरामिड स्कीम चला रहे थे। और देखिए इन जानवरों की सच्चाई कि जिन लड़कियों का इन्होंने शोषण किया वो 11 से 20 की उम्र की लड़कियां थी। इस केस की एक सबसे डिस्गस्टिंग बात ये है कि कुछ रिपोर्ट्स और विटनेसेस के मुताबिक पुलिस को इस केस की इन्फॉर्मेशन थी, उसके बावजूद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस इस केस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाई। नवज्योति अखबार जिसने इस कांड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लीक की थी, उसके एडिटर दीन बंधु चौधरी ने ये कहा था कि लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को इस स्कैंडल के बारे में करीब एक साल से खबर थी, लेकिन उन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस की वजह से इस इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाया। और देखिए इस केस में इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों हुई, इन अक्यूज्ड को इतना प्रोटेक्ट क्यों किया गया और पुलिस को एक्शन क्यों नहीं लेने दिया गया, इसके पीछे कई कारण है। पहला तो देखिए अक्यूज जो थे वो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी से थे और जो विक्टिम्स थे वो मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी से थे। क्लियरली इन लड़कियों को टारगेट करने में एक रिलीजियस एंगल भी था। और आप समझिए कि 92 का ऐसा समय था जब राम जन्मभूमि का मूवमेंट शुरू हुआ था और अपनी चरम सीमा पर था। राम का जन्म हुआ था। तो कांग्रेस पार्टी को लड़कियों की मान से ज्यादा इस बात में इंटरेस्ट था कि कहीं अगर इस कांड का खुलासा हो गया, पूरे देश को इस कांड के बारे में पता चल गया तो कहीं लोग नाराज होकर हिंदुत्व को ज्वाइन न करने लगे और बीजेपी को वोट न करने लगे। पत्रकार को समझाइए, शहर की शांति न बिगाड़े। दूसरा रीजन ये है कि जो अक्यूज थे वो अजमेर दरगाह के चिश्ती परिवार से आते थे और इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी में इनकी बहुत रिस्पेक्ट थी और वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से भी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो। और तीसरा रीजन की क्यों गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया कि जो अक्यूज थे वो एक्चुअली कांग्रेस के ही मेंबर थे। फारूक चिश्ती अजमेर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती वो अजमेर कांग्रेस यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी था। और इनके पास थी दरगाह के नाम पर मिलने वाली इजी मनी, सोशल इन्फ्लुएंस और यूथ कांग्रेस के पदों से मिलने वाला पॉलिटिकल क्लाउड। उस दौर के लोग इस गैंग को खुली जीप, एम्बेसडर, फिएट कारों में घूमने की वजह से जाना करते थे। तो पुलिस और कुछ वुमेन फोकस एनजीओ के मुताबिक इन अक्यूज के खिलाफ केस बनाना बहुत मुश्किल था क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जिनका शोषण किया गया था वो आगे आकर अपनी टेस्टिमनी पुलिस को या कोर्ट्स को नहीं बताना चाहती थी। तो देखिए ये जो शोषण हुआ है लड़कियों का ये एक हिस्टोरिकल ट्रेंड फॉलो करता है। जब भी भारत पर इस्लामिक इन्वेजन हुआ है तो घुसपैठियों ने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन औरतों को टारगेट किया है, उनको बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया है। 25 लाख विमेन वर टेकन अवे एज स्लेव ट्रेडर्स, सेक्स ट्रेडर्स टू द far away lands of the Middle East, to Afghanistan, to Ghazni. In fact, Muslim chroniclers derived extra delight in narrating anecdotes of the subjugation of women. लेकिन अगर political interference की वजह से इस केस पर कोई action नहीं हुआ और पुलिस को investigation नहीं करने दी तो finally इस केस का खुलासा कैसे हुआ, इस केस पर पुलिस ने finally action कैसे लिया। तो देखिए वहाँ का एक local paper था नवज्योति, जिसके editor के पास जो अश्लील photo accused ने लड़कियों की ली थी उनमें से कुछ photos हाथ लगी और editor ने अखबार में ये photos publish की। ये photos कुछ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के हाथों में भी लगी और इन कार्यकर्ताओं ने ये फोटो फिर पुलिस को दी, जिसके बाद finally पुलिस एक्शन लेना पड़ा क्योंकि पब्लिक को पता चल चुका था। लेकिन इन सब के बावजूद इनिशियली इन फोटोज को रिलीज करने के पहले नवज्योति के जो एडिटर थे वो भी बहुत घबरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि ये फैमिली अजमेर दरगाह से जुड़ी हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी में इनके पास बहुत पावर है और पॉलिटिकली भी इनके पास बहुत इन्फ्लुएंस है। तो फाइनली जब लोगों को ये खबर पता चली तो पब्लिक में ऑब्वियसली बहुत गुस्सा बढ़ा, तब पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। सर मुद्दा हिंदू मुस्लिम के दंगों का ना है, मुद्दा उन 250 छोरियों के बलात्कार का है। और पुलिस ने फाइनली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑलमोस्ट 500 लड़कियों के शोषण में अराउंड 18 लोगों को चार्ज किया। और देखिए अनफॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने आपको बताया इन औरतों को बहुत सालों तक जस्टिस नहीं मिल पाया है। 31 साल बाद भी इस केस में न्याय मिलने की कोई आस नजर नहीं आती। दिप्रिंट ने इस केस की दो अहम पीड़िताओं से बात की। वो कहती हैं कि इस केस से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और इसलिए पुलिस के तमाम समन आने के बाद भी वो कोर्ट नहीं आती हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 500 लड़कियों का शोषण किया गया है, लेकिन इनमें से अराउंड सिर्फ 12-15 लड़कियों ने केस फाइल किया और उसमें से भी सिर्फ 2-3 लड़कियां ही टेस्टिमनी देने के लिए आई थी। धर्मेंद्र यादव बताते हैं कि CID कुल 35 लड़कियों को ट्रेस कर पाई थी, जिसमें से महज 16 लड़कियों के बयान ही विक्टिम के तौर पर चार्जशीट में शामिल किए गए। इन 16 लड़कियों में से भी
आगे चलकर ज्यादातर पीड़िताएं कोर्ट में हॉस्टाइल हो गईं। और बहुत सारी लड़कियां जो टेस्टिमनी देने के लिए इनिशियली आई भी थी, उनमें से बहुत सारे विटनेसेस हॉस्टाइल हो गई, यानी उन्होंने जो इनिशियल स्टेटमेंट दिया था उस स्टेटमेंट से मुकर गए। ऐसा क्यों हुआ, इतनी सारी लड़कियों के साथ इतना भयानक शोषण हुआ, उसके बावजूद वो लोग टेस्टिमनी देने के लिए क्यों नहीं आई ताकि इन क्रिमिनल्स को सजा मिल सके। देखिए, आप लोग को पता ही है कि ये लोग कितनी पावरफुल पोजीशन में थे। इनफैक्ट द प्रिंट मैगजीन को एक विक्टिम ने कहा कि ये जो क्रिमिनल्स थे ये उनके एरिया में ही रहते थे और बार बार इन लड़कियों को कन्फ्रंट करके इनको धमकियां देते थे कि अगर तुमने टेस्टिमनी दी तो देख लेना क्या होगा। एक विक्टिम थी जिसने बहुत बहादुरी करके टेस्टिमनी दी, लेकिन टेस्टिमनी देने के कुछ समय के बाद रातों रात वो लड़की एक दिन गायब हो गई। आज तक उस लड़की को कोई नहीं ढूंढ पाया है। पुलिस ने भी कहा है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस थी और वो विटनेस इस केस के लिए भी बहुत जरूरी थी। लेकिन ऑप इंडिया के मुताबिक जो अक्यूज थे उनका पाकिस्तान की ISI, PFI और दावत इस्लामी जैसे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी कनेक्शन थे। तो आप समझ ही जाइए कि उस बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ होगा, और आप समझ जाइए कि क्यों लड़कियां सामने आकर टेस्टिमनी देने से घबराती थी। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा भी एक और बड़ा रीजन था कि क्यों बहुत सारी लड़कियां टेस्टिमनी देने के लिए पुलिस या कोर्ट के सामने नहीं आई, और वो थी कि हमारी सोसाइटी और हमारी मीडिया ने इन लड़कियों को कैसे ट्रीट किया। कई लोकल अखबार थे अजमेर में जिनके पास इन लड़कियों की फोटोज आ गई थी और इन फोटोज का इस्तेमाल करके वो इन लड़कियों की फैमिलीज को ब्लैकमेल कर रहे थे और उनकी फैमिली से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। जो परिवार अजमेर में शादी करने के लिए लड़कियां ढूंढने के लिए आते थे वो न्यूज़पेपर ऑफिसेज में जाके पता करने की कोशिश करते थे कि कहीं ये लड़की उन लड़कियों में से एक तो नहीं है। ये रहा हमारी होने वाली बहू का फोटो। छोरे, ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब ये खबर निकल कर आई तब पब्लिक में बिल्कुल बवाल मच गया। शहर में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, 2 दिन के लिए शहर को बंद कर दिया गया और कम्युनल राइट्स तक की सिचुएशन आ चुकी थी शहर में। और गवर्नमेंट ने पुलिस को कहा कि अक्यूज पर एक्शन लेने के बजाय जो मीडिया पर्सन इस मुद्दे पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं उनको अरेस्ट कर लीजिए। न्यूज वाली बात को लेकर उसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर शहर में दंगे करवाना चाहता है। उन सारे के सारे घिनौने कुकर्मियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दीजिए। ये जिस तरह की न्यूज छपी है कहीं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ना बन जाए। आज लड़कियों की जान और इज्जत से बढ़कर ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गए सर। और आज उस कहानी को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और आज तक इनमें से कई औरतों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। और सोशल स्टिग्मा की वजह से अनफॉर्चुनेटली पिछले 31 सालों में जिन लड़कियों का शोषण हुआ था उनमें से कई लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली है। और क्योंकि बहुत सारी लड़कियां सामने आकर टेस्टिमनी नहीं देना चाहती थी, बहुत सारी लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली है, इसलिए हमारे पास उतने विटनेसेस नहीं थे कि जो अक्यूज्ड है उनको प्रॉपर सजा दे पाए। 2007 में जब फारूक चिश्ती पर केस चल रहा था तो उसने कहा कि भाई हम मेंटली इनकॉम्पिटेंट हैं इसलिए आप हमको सजा नहीं दे सकते। लेकिन 2007 में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसको आजीवन जेल की सजा सुनाई। लेकिन 2013 में राजस्थान के हाई कोर्ट ने कहा कि भैया इसने काफी सजा कर ली है, अब इसको छोड़ दो। नफीस चिश्ती तो एक हिस्ट्री शीटर है भैया, अलग अलग ड्रग पेडलिंग केसेस में भी इसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। 2003 तक ये पुलिस से भागता रहा, जब 2003 में फाइनली दिल्ली पुलिस ने इसको पकड़ा, और जब पकड़ा तो ये औरतों का बुर्का पहन के भागने की कोशिश कर रहा था। बताइए, बलात्कारी से इतने बड़े फेमिनिस्ट बन गए हैं, औरतों का बुर्का पहन के घूम रहे हैं सड़कों पे। इकबाल भट्ट को फाइनली 2005 में अरेस्ट किया गया, सुहेल घनी चिश्ती को 2018 में अरेस्ट किया गया। और जब जब एक अक्यूज को अरेस्ट करके कोर्ट में लाया जाता था तब तब सारे विक्टिम्स को घसीट कर वापस कोर्ट में लाया जाता था। वो बार बार जो है उसके साथ पहले जो गुजरी हुई ये चीजें वो सारा का सारा उसको मेंटली कहीं कहीं दुखी तो निश्चित रूप से कर ही रहा है। और आज की तारीख तक भी नफीस चिश्ती, इकबाल भट्ट, सलीम चिश्ती, सैयद जमीर हुसैन, नसीम और सुहेल चिश्ती ये सारे पॉस्को कोर्ट में ट्रायल पर है और सारे के सारे बेल पर बाहर है। अकॉर्डिंग टू NK पार्टी जिन्होंने इनिशियली चार्जशीट फाइल की थी इन अक्यूज के खिलाफ, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से पुलिस के हाथों और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के हाथों इन केसेस को साल दर साल कमजोर कर दिया गया है। और अगर आपको लगता है कि ये इन बेचारी लड़कियों के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था तो सबसे बड़ा तमाचा अभी बचा है। आज भी नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती आराम की जिंदगी जी रहे हैं अजमेर में। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये लोग रेगुलरली अजमेर दरगाह भी जाते हैं। जो लोग अजमेर दरगाह जाते हैं वो चिश्ती फैमिली होने के नाते फारूक चिश्ती का हाथ भी चूमते हैं। इन सब के बावजूद इन लोगों की अजमेर में इतनी रिस्पेक्ट है। भाई लोगों का टैलेंट देखिए यार, इनको तो PR एजेंसी खोल लेने चाहिए ऐसे लोगों के लिए जिनका करियर बर्बाद हो चुका है किसी न किसी स्कैंडल की वजह से। मैं तो कहता हूँ शाइनी आहूजा, अमन वर्मा और शक्ति कपूर जिनके ऊपर लड़कियों को असॉल्ट करने का या कास्टिंग काउच के आरोप लगे हुए हैं, उनको ये चिश्ती
किश्तियों की पीआर एजेंसी में जाना चाहिए। और देखिए, सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली बात यह है कि कई विक्टिम्स ने तो ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला। और देखिए, अजमेर दरगाह और उनके खादिम चिश्ती परिवार के भले ही अजमेर में बहुत रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट हो, लेकिन इन अक्यूज को आज भी अजमेर दरगाह में लाया जाता है, आज भी इनकी रिस्पेक्ट की सिचुएशन है, ये अजमेर दरगाह को एक बहुत ही खराब लाइट में दिखाती है। ऐसे ही रिसेंटली अजमेर दरगाह पर एक कॉन्ट्रोवर्सी बनी हुई थी जब सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को मारने की बात की थी और उसके सर के ऊपर एक रिवॉर्ड डाला था इस्लाम के प्रॉफिट की गुस्ताखी करने के लिए। और इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स के स्टेटमेंट की वजह से बहुत सारा एंटी हिंदू वायलेंस हुआ, जहां कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जैसे लोगों की जान गई और कई हिंदुओं पर बुरी तरह के अटैक्स भी हुए सिर्फ नुपुर शर्मा को सपोर्ट करने के लिए। और इन औरतों के साथ इतनी बदसलूकी होने के बावजूद इस स्टोरी को इस फिल्म के थ्रू उजागर करने के बजाय इस फिल्म को बैन करने की बात हो रही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो लीगल नोटिस जारी किया है कि जितने भी सीन्स हैं इस फिल्म में जो चिश्ती परिवार को रेफरेंस करते हैं उन सबको डिलीट करना जरूरी है, वरना इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। जमीयत उलमाए हिंद ने इस फिल्म को बैन करने की बात की है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम्स को गलत लाइट में दिखाया जा रहा है और इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है। सर जी, इनकी करतूतों से इस्लामोफोबिया नहीं फैला, लेकिन इनकी करतूतों को एक्सपोज करते हुए जो फिल्म आ रही है उससे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। अरे भैया, वर्ल्ड वॉर टू पे फिल्में बनती हैं, जर्मनी के लोगों पर अटैक थोड़ी हो रहा है, नाज़ीज़ की आइडियोलॉजी को एक्सपोज किया जा रहा है। जब हम उरी जैसी फिल्में बनाते हैं तो मुस्लिम्स पर अटैक थोड़ी कर रहे हैं, पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, वो जो टेरर स्टेट है और जिस तरह से वो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है उसको एक्सपोज कर रहे हैं, और कैसे भारत ने पाकिस्तान को अपना बिच बना के रखा हुआ है उसको दिखा रहे हैं। और देखिए, फाइनली मैं एक ट्रेंड को नोट करना चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो फाइनली बहादुरी दिखाकर ऐसी कहानियों पे फिल्में बना रहे हैं जो कहानियां भारत के लोगों से सालों से और कभी कभी तो सदियों से छुपाई गई हैं। चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे ताशकंद फाइल्स हो जो लाल बहादुर शास्त्री की मौत को एक्सप्लोर करती है, चाहे तान्हाजी हो जो मराठाओं की मुगलों के खिलाफ बहादुरी को दिखाती है, चाहे उरी हो, चाहे केरला स्टोरी हो। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है। अब तो देखिए वीर सावरकर पर भी, जिनको एक समय पर हमारी हिस्ट्री से, हमारे पॉलिटिक्स से, हमारी सोसाइटी से गायब करने की कोशिश की जा रही थी, उन पर दो दो फिल्में बनकर आ रही हैं। तो मेरी आशा है कि इस तरह की फिल्में और निकल कर आएं, इस तरह की फिल्में अच्छी हों, अच्छी क्वालिटी की हों, इस तरह की फिल्में सक्सेसफुल बने, ताकि इस तरह की जो और भी छुपाई हुई कहानियां हैं उस पर और फिल्में बनकर आएं, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े, ताकि जो अक्यूज्ड हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको फाइनली सजा मिल सके प्रॉपर्ली, और फाइनली जो औरतें हैं जिनके साथ शोषण हुआ है उनको भी जस्टिस मिल सके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप इंडियन हिस्ट्री में किस छुपाए हुए टॉपिक पर अगली पिक्चर देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।